खरगोन जिले की भीकन गांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 देशी पिस्टल सहित 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। विवेक शर्मा पुलिस महानिरीक्षक इंदौर के मार्गदर्शन में और तिलक सिंह उप पुलिस महानिरीक्षक निमार रेंज खरगोर के साथ शैलन सिंह चौहान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियारों के परिवहन, क्रय और विक्रय के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में खरगोन जिले से अवैध हथियारों के परिवहन, क्रय विक्रय पर लगातार निगरानी रखे जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अवैध हथियारों के सप्लाई और निर्माण के संबंध में भीकनगांव पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 4 नग देशी पिस्टल आरोपी बादल सिंह पिता चांद सिंह उम्र 31 वर्ष निवास सिगनूर से बरामद हुए हैं। उक्त सराहनीय कार्य के लिए थाना प्रभारी भीकनगांव संतोष सिसोदिया, हरिप्रसाद पाल, रमेश पवार, अनिल योगेश, इसराम पंकज का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्वारा अवैध हथियारों की कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? ये कल लॉकडाउन के दौरान थाना प्रभारी और अपने स्टाफ के साथ में देहात भ्रमण कर रहे थे, तब मुखबिर ने सूचना दी कि एक ग्राम सिगनूर तरफ से एक चिकलीगर मोटरसाइकिल लेके अवैध कट्टा लेकर आ रहे थे, जिसे बमनाला के पास सेलदा पाट नदी के किनारे जो रोका पूछा तो उसके पास 4 देसी कट्टा होना बताया गया है। और अभी उसकी आज न्यायालय पेश करेंगे और 30 तारीख तक का PR लेकर और पूछताछ करेंगे कि ये कट्टा कहाँ ले जा रहा था, किसको दे रहा था, इसकी छानबीन की जाएगी। किन किन सर आरोपी से कितने पिस्टल जब्त किए हुए? 4। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया सर? अभी धारा 25 एक में। सर इसका बाजार मूल्य कितना होगा? बाजार मूल्य 60,000 रुपये। और ये सामान भी कुछ जब्त किया है तो? सामान उसके फिर इसके घर जाके तलाशी ली तो तलाशी में सामान मिला है। सर देखा जा रहा है कि लगातार 2 महीने में 5वीं-6ठी कार्रवाई है ये लगभग, तो इतने बड़े पैमाने पर सर क्या पुलिस का खौफ नहीं है कि यह बिकता ज़्यादा है? इनके तो धंधे ही है, ये इनके पूर्वजों से ये चला आ रहा। पुलिस प्रयास कर रही है, पकड़ भी रही है, पर ये अपने जो धंधे से बाज नहीं आ रहे। माना जाए कि जल्दी अंकुश लगेगा। जल्दी अंकुश लगाएंगे। खबर भारत वर्ष के लिए भीकनगांव से विक्रम श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।